नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट से, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी से। विनय तामांग खुद बिमल गुरुंग के लिए है चेतावनी। बागडोगरा एयरपोर्ट पर विनय तामांग ने गुरुंग को दी चुनौती। बिमल गुरुंग, रोशनगिरी कोई चेतावनी नहीं बल्कि खुद विनय तामांग ही बिमल गुरुंग के लिए चेतावनी है। बिमल गुरुंग मुद्दे को लेकर नई रणनीति बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के बुलावे पर कोलकाता रवाना होने से पहले सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट पर विनय तामांग ने इन्हीं शब्दों में बिमल गुरुंग को एक प्रकार चुनौती दे डाला। सोमवार को विनय तामांग ने कहा कि बिमल गुरुंग मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसीलिए इस मुद्दे पर वहां कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन गुरुंग पहाड़ लौटने पर विनय तामांग की राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाएगा। बिमल गुरुंग या रोशनगिरे इस समय पहाड़ में कोई विषय नहीं है। अरे हमारे क्या नाम थी जिसके अंदर इन नवन्ना, तो कल का जो बैठक मीटिंग है सेम मैडम के साथ में, वो पूरी दार्जिलिंग पहाड़ तराई और डुअर्स के लिए पॉलिटिकल और पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बातचीत करेंगे। तो कल 3 बजे हमारा नवन्ना में मीटिंग है, तो आज मेरा साथ में मेरा महासचिव जो जीटीए चेयरमैन भी है अनिल थापा जी, वो भी हम दोनों कलकत्ता के लिए रवाना होना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑनरेबल सेम मैडम हैज कॉल्ड मी ऑन 26th of October रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग, सो विच इज गोइंग टू बी हेल्ड टुमारो आफ्टरनून एट 3 o'clock इन नवन्ना। नो, आपको मैं बता दूं, बिमल गुरुंग इज नॉट द सब्जेक्ट एंड एज वेल एज ही इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। बिमल गुरुंग कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, एंड ही इज अ फ्यूगेटिव लीडर एंड नो वन इज अबव द लॉ, सो वी शुड रेस्पेक्ट द ज्यूडिशियल फैब्रिक ऑफ आवर इंडिया। सो हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू शेयर any political and administrative platform with Bimal Gurung and Roshangiri and group. But BDA has already invited Mr. Bimal Gurung after 3 years. No, as of now, BDA के तरफ से कोई official ऐसा statement नहीं आया है। जो मैंने अभी आपको कह दिया है कि कल का meeting जो है पूरा का पूरा North Bengal, सिलगुड़ी तराई डुअर्स और hills के लिए जो एक peace और स्टेबिलिटी के लिए, ये इसका ऊपर में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, दे आर ऑल दैट इज ऑल एंग्विश, और ये जब जो भी है पब्लिक का जो रिजेंटमेंट आ रहा है वो एंटी बिमल गुरुंग के तरफ जा रहा है। नॉट ओनली हैंडफुल ऑफ पर्सन, only number of person they are supporting Bimal Gurung, but the rest of the hills and the penal plains of the North Bengal they are not supporting the Bimal Gurung and his group. So Bimal Gurung ko aap log pahad chadne nahi de rahe na? dekhiye maine baat kiya hai, I don't want to comment on all these things because we are going there in Calcutta for the purpose of administrative meeting, and wo maine aapko bata diya hai. भाजपा कार्यकर्ता हत्या मामले में एनजीपी थाना घेराव, डाबग्राम फुलवाड़ी विधानसभा केंद्र भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में पूरे राज्य में प्रदर्शन व थाना घेराव कार्यक्रम में सिलीगुड़ी भी शामिल है। सोमवार को डाबग्राम फुलवाड़ी विधानसभा की ओर से एनजीपी थाना घेराव कर विरोध प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के संयोजक प्रसन्नजीत पाल ने बताया कि
राज्य में गणतंत्र केवल किताबी बात रह गई है। पुलिस सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रही है। पिछले एक साल में राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 110 भाजपा कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या कर दी गई है। रविवार को नादिया जिले के कैशपुर में सत्ताधारी पार्टी के दबंग वाहिनी ने विजयशील नामक भाजपा युवा नेता की हत्या कर उसे फंदे से लटका दिया था, लेकिन हर मामले में दोषी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसे लेकर पूरे राज्य में आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद ही इन शहीदों को असल श्रद्धांजलि दी जाएगी। अपना जानें जे गतकाल नदियार गोयेशपुरे हमारे विजयशील नामे युव नेता के खून कर हत्या कर तृणमूल आश्रित गुंडा बाहिनी हत्या कर झुली दिए। ये प्रथम घटना नय पश्चिमबंग जुड़े भारतीय जनता पार्टी गत एक बचरे प्राय 110 बेसि कर्मी किन्तु ये बलि चले ग এবং গত এক মাসে প্রায় 18 জনের বেশি কিন্তু অধিক কিন্তু এইভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই সব ঘটনাকে একত্রীকরণ করে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি যে বিধানসভা আছে সেই বিধানসভা 5টা মণ্ডল সভাপতিকে নিয়ে তাদের নেতৃত্বে স্থানীয় এনজিপি যে থানা আছে সেখানে আজকে আমরা একটা স্মারকলিপি জমা দিলাম এবং স্মারকলিপির মধ্যে এই সব বিষয়গুলোই গণতন্ত্রের উপরে যে গণতন্ত্র যে হত্যা হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং যে সুশাসন দরকার আছে মানুষের পাশে যে পুলিশের দাঁড়ানো উচিত সেই সব বিষয়গুলো উল্লেখ করা আছে। কিন্তু আমরা জানি এই ডেপুটেশনের কোনো কাজ নেই। আজকে এই বহুবার ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে কিন্তু পুলিশ যেহেতু তৃণমূলের দলের সাথে মিশে আছে তাই সুতরাং কোনো আর এখানে ন্যায় পাওয়ার কোনো বিষয় নেই। তো সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা গর্জে উঠেছি এবং যেই লোকগুলো প্রাণ হারিয়েছে প্রাণ হারাচ্ছে তাদেরকে তাদের যদি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে হয় 21 পরিবর্তন করে বাংলায় বিজেপিকে স্থাপন করে আমরা সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি তাদের দেবো। আপনার নাম? আমার নাম প্রসেনজিৎ পাল। আমি এই ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের কান্ডারি। सिलीगुड़ी में दुस्साहसिक चोरी मामले की पुलिस को मिल रही है बड़ी सफलता। 5 गिरफ्तार, लाखों के पीतल के सामान जब्त। 24 अक्टूबर को शहर के शास्त्री नगर इलाके में एक मकान में दुस्साहसिक चोरी की घटना घटी थी। 29 अक्टूबर को इस सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के सभी सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि बरामद किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया। तीनों से पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर कल 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लाखों रुपए के पीतल के सामान बरामद किए गए हैं। इनमें से अधिकतर एलपीजी में इस्तेमाल होने वाला सामान है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इस बारे में और अधिक जानकारी जुटा रही है। 7 सालों से बकाया वेतन भुगतान की मांग पर अरण्य बंधुओं का धरना प्रदर्शन। पिछले 7 सालों से वेतन बकाया है। बकाया वेतन भुगतान की मांग पर सोमवार को जलपाईगुड़ी अरण्य भवन के सामने अरण्य बंधुओं ने धरना प्रदर्शन व आंदोलन शुरू किया। इसके लिए जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों लोग वहां अरण्य बंधु मौके पर पहुंचे व धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। आंदोलनकारियों का कहना है कि पूर्व वन मंत्री विनय कृष्ण बर्मन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि तमाम अरण्य बंधुओं को मानदेय प्रदान किया जाएगा, लेकिन कई सालों बाद भी वहां पूरा नहीं किया गया। जबकि वन सहायक के तौर पर नए सिरे से नियुक्ति की जा रही है। उन लोगों ने वन सहायक के नए पद पर तमाम अरण्य बंधुओं की नियुक्ति की मांग उठाई है। मांग पूरी न होने पर आंदोलनकारियों ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। साथ ही पिछले 7 वर्षों से बकाया राशि के भुगतान की भी मांग की गई है। हमरा दीर्घ 7 বছর যাবত বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে যে বন সহায়কের নিয়োগ চলছে সেটাতে আমরা অগ্রাধিকারের জন্য আবেদন করেছিলাম মাননীয় ডিওপো স্যার এবং মাননীয় সিসিএফ স্যারের কাছে আমরা আবেদন করেছিলাম, কিন্তু ওনারা আমাদেরকে শুধু ভাতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা কোনো ভাতা প্রতিশ্রুতিতে না গিয়ে আমরা লিখিত প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের আন্দোলন মেনে নিতে হবে। 141 জনেরই পুরো লাগবে আমাদের, একজনও বাকি যেন না থাকে, একজনও যেন বাদ না যায়, এই আমাদের দাবি। আমাদের দাবি মানতে হবে, কারণ আমাদের দাবি যদি মানা না হয়, যদি ওনারা বন সহায়কে আমাদেরকে নিয়োগ করতে না পারেন তাহলে উভয় অবিলম্বে ওনাদেরকে বনবন্ধুদের মানে আমাদের অরণ্য বন্ধুদেরকে মাসিক বেতন চালু করতে হবে। মাসিক বেতন ন্যূনতম সরকারি গ্রুপ ডির যে পদমর্যাদা সেই সম পরিমাণ সমমর্যাদা বেতন আমাদেরকে দিতে হবে, নইলে আমাদের এই আজকের থেকে যে অনশন অবস্থান বিক্ষোভ চলছে সেটা জারি থাকবে। कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने थाने का किया घेराव, दिया ज्ञापन। भाजपा कार्यकर्ता विजयशील की हत्या के खिलाफ पूरे बंगाल में भाजपा की ओर से सोमवार को थाने का घेराव कर घटना की जांच की मांग को लेकर पुलिस अधिकारी को
ज्ञापन दिया गया। ऐसे क्रम में आज मालदा जिले के इंग्लिश बाजार व उत्तर व दक्षिण नगर मंडल भाजपा की ओर से इंग्लिश बाजार थाने का घेराव कर घटना के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले आज मालदा शहर के पुराटाली बांध से भाजपा कार्यकर्ताओं की विशाल रैली निकाली गई। रैली इंग्लिश बाजार थाने के सामने पहुंचकर खत्म हुई। वहीं काफी देर तक विरोध प्रदर्शन के बाद इंग्लिश बाजार थाने के आईसी को भाजपा के नेताओं के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। स्माइल फाउंडेशन ऑफ सिलीगुड़ी की ओर से शाहू नदी की गई सफाई। दुर्गा पूजा उत्सव का समापन होने के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया जाता है। इस साल भी महानंदा नदी के साथ शाहूडांगी नदी में भी काफी संख्या में छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया था। मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन करने के कारण नदी काफी प्रदूषित हो गई है। सिलीगुड़ी शहर के नजदीक से होकर बहने वाले इस नदी के काफी महत्व है, लेकिन मूर्तियों का विसर्जन के कारण नदी में कपड़ा बांस आदि जमा हो गया है। प्रशासन की तरफ से भी अभी तक सफाई नहीं की गई है और यही कारण है कि स्माइल फाउंडेशन ऑफ सिलीगुड़ी की ओर से आज नदी की सफाई की गई। स्माइल फाउंडेशन के सदस्य बिल्टू चौधरी ने बताया कि हम सभी का दायित्व है कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करें। उत्सव मनाना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। अगर उत्सव के दौरान पर्यावरण दूषित होता है तो इसकी सफाई भी होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखकर स्माइल फाउंडेशन के सदस्यों ने आज शाहू नदी की सफाई की। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्नीचर तथा फर्नीचर संबंधी संपूर्ण समाधान को निम्ति सधैं सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्नीचर मोड्युलर किचन यूपीयूसी डुअर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 0359223250। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अप्लाई फॉर 3-year AICTE अप्रूव्ड एंड MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस? दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिंपोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस, और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टेक्ट नंबर 9193208031, व्हाट्सएप कॉल 8388778 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्रीश्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्रीश्याम फार्म हाउस विला फूलबारी, कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान, जहां मिले सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए।
घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपोवेयर के लिए SK Live ही बेस्ट ऑप्शन है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तरबंग राजवंशी कुलगुरु कुल शिष्य समाज सेवा संस्था की विरोध रैली। सरकारी भत्ता प्रदान की मांग पर जलपाईगुड़ी डिविजनल कमिश्नर के कार्यालय के सामने उत्तरबंग राजवंशी कुलगुरु कुल शिष्य समाज सेवा संस्था की ओर से जामयत प्रदर्शन किया गया। सोमवार को जलपाईगुड़ी शहर की एक रैली निकालकर संगठन के सदस्य डिविजन कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे। रैली की ओर से कई मांगे रखी गई है, जिनमें गरीब रेखा से नीचे रहने वाले कुलगुरु कुल शिष्यों के सरकारी गृह निर्माण योजना के तहत घर दिलाने, सभी को सरकारी पहचान पत्र देने व सरकारी भत्ता प्रदान करने सहित कई मांगे रखी गई है। उत्तरबंग राजवंशी कुलगुरु कुल शिष्य समाज सेवा संस्था के अध्यक्ष करुण कांत अधिकारी ने कहा कि विभिन्न जिले में उनके लगभग 1000 कुलगुरु रहते हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा कुल शिष्य है। भक्त समाज सेवा प्रतिष्ठान तरफ थे जार सभापति हलन करुणाकान्त अधिकारी। हाँ, ओनर किस दाबी दवा नहीं आमंत्रित व्यक्ति हिसाब से, जेहेतु शाखा संगठन एक तर संगे एसारा किस व्यक्तिगत दाबी दवा नहीं एस दाबी दवागुलर मध्य रही है कुलगुरु जमन मुआज्जिम भाता रही है, ब्राह्मण भाता दिखे ওনারাও কিন্তু গুরুদেব বা ওনাদেরকেও এই ভাতাটা দেওয়া হোক। আর বেসিক্যালি এনারা এমনিতেই রাজবংশী সমাজ তো ইকোনমিক্যালি এবং এডুকেশনালি ব্যাকওয়ার্ড, যার ফলে এরা রিজার্ভেশনের তালিকায় রেজিস্ট্রেশন ক্ষত্রিয় হলেও রাজবংশী, সে কারণে এনারা আরো ব্যাকওয়ার্ড অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, কারণ এনাদের বাড়িঘরও সেইভাবে নাই। দ্বিতীয় দাবি হলো ওনারা চাচ্ছেন যে ওনাদের বাড়ি ঘর নির্মাণের জন্য সরকারি ব্যবস্থা করা হোক, গৃহ নির্মাণের জন্য। গৃহ সবাই লোন, গৃহ নির্মাণ হচ্ছে সবারই, অনেকেই সরকারি তরফ থেকে বাড়ি পাচ্ছে। হ্যাঁ, আবাসন প্রকল্প থেকে এনাদেরকে সেই আবাসন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসে, এনাদেরকে বাড়ি ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হবে। পুরো গুরুদের তরফ থেকে ওনারা একটা ডেপুটেশন দিয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানোর জন্য, এবং এটা আমরা ম্যাডাম সিএম আমরা পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিই। মা লক্ষ্মী কি প্রতিমাও কি বিক্রি নেই হোনে সে পরেশান আর নিরাশ হয় রায়গঞ্জ কে মূর্তিকার। रायगंज के कंचनपल्ली कुम्हार टोली और सुभाषगंज कुम्हार टोली के मूर्तिकार इस बार काफी हताश और निराश है, क्योंकि इस साल मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं की बिक्री पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुई है। मिट्टी से लेकर बांस और रंग आदि सभी सामग्रियों का दाम काफी बढ़ गया है। यही कारण है कि मूर्तिकारों ने इस साल कर्ज लेकर किसी भी तरीके से मूर्ति को बनाया था, ताकि वह इनको बिक्री कर एक तरफ अपनी कर्ज चुका सके तो दूसरी तरफ अपने परिवार के लिए कुछ आय अर्जित कर सके। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि कोरोना परिस्थितियों के कारण लोगों ने काफी कम मूर्तियां खरीदी, जिसके कारण अधिकतर मूर्तियां नहीं बिकी है। अब ऐसे में कुम्हार को समझ नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। कुम्हारों का कहना है कि हम लोगों ने कर्ज लेकर मूर्तियों को बनाया था, लेकिन मूर्तियां नहीं बिकी है। ऐसे में हम लोगों के लिए अब इस पेशे को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कोई सहायता भी नहीं मिल रही है। না হলে তো আর বিক্রি হবে না, আর ঠাকুর রয়ে গেল, এখন এটার উপরে আমাদের ভরসা, এখন কি হবে বলতে পারছি না। এই কত ঠাকুর, বিশ্বকর্মা রয়ে গেল, মনসা, লক্ষ্মী। কেন তোমরা, তোমার বাবা নেই? না, বাবা তো নেই, আমরা তিন বোন, এই যে দিদি এটা আর আমি আছি আর মা আছে, আমরা তিন বোন আর মা মিলে আমরা খরিদ্দার একদমই নেই এবছর। মানে কি যে ট্রেন চলছে না, তার মধ্যে ট্রেনে যাওয়া বা যেটুক মা যেত সেটাও বন্ধ হয়ে গেল, এখন কি হবে বলতে পারছি না, এখন বলতে পারছি না কিভাবে চলবে। তো এখন ওই কয়েকটা গেছে যেটা অর্ডারই, বড় ঠাকুর ছিল অর্ডারই, ওগুলো হয়ে গেছে, আর ছোট ওই যে এখানে আছে যেগুলো, এগুলো এর উপরে।
কি করব, সেই সমস্ত জিনিসগুলো তো মার্কেটে রাখারও কোনো আমার জায়গা নেই, কোনো গোডাউন নেই, তো বাড়িতে নিয়ে চলে এসে চললো না। করোনার জন্যে এবার মালের বিক্রি নাই, অনেক মানুষ পুজো করেনি এবং বিভিন্ন জায়গায় যে মালটা চলে গেছে তারাও বিক্রি করতে পারেনি। কিন্তু এই করোনার জন্যে যারা বড় লক্ষ্মী ঠাকুরের প্রতিমার যারা পুজো করে, সে পুজোগুলো এবার তিন ভাগের এক ভাগ পুজো হয়েছে। কোনোরকমভাবে মানুষ অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যে তারা ওই ঘট পুজোটা কোনোরকম করে রেখেছে। এই কারণে আমাদের अलीपुरद्वार के फालाकटा जटेश्वर शमशान घाट में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण अंतिम संस्कार करने व आने वाले लोगों को हो रही है काफी परेशानी। अलीपुरद्वार के फालाकटा जटेश्वर शमशान घाट में ना तो कोई पक्का घाट है और ना ही पेयजल की व्यवस्था, यहां तक कि किसी के बैठने तक की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। रास्ते की अवस्था काफी खराब है, यही कारण है कि अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों को यहाँ काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक नलकूप बैठाया गया था लेकिन अब वहाँ खराब हो चुका है। पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी लोग परेशान हो चुके हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक नलकूप कम से कम बैठाया जाए। जल सब जल असुविधा सकने लोग जन आसले कोकम को सेवार मैं जल एक निबे नहीं घाट एखे नदी सामने घाटों कोकम व्यवस्था नहीं बद दी से बद देव अब्दि एन जो जल नीते नाम रास्ता एक नहीं नोरा আর লাইট তো মনে করো নেই, ওই যে পোস্ট ওইভাবেই আছে, ওইটা নিয়ে কোনো কল এই যে এইভাবেই জলের তো এটা তো সমস্যা আছেই, সেদিনে কোনো তো ব্যবস্থাই হচ্ছে না। চারিদিকে দুদিকে কোথায় চারিদিকে দেখুন, এটা শ্মশানের কি এটা অবস্থা, চারিদিকে ভাঙা। জটেশ্বরে সার্বিক উন্নয়ন হলেও জটেশ্বরের মানুষের একটি দীর্ঘদিনের অসুবিধা ভুগছে, জটেশ্বরের মানুষ দীর্ঘদিনের একটি অসুবিধায় ভুগছে, সেটি হলো যে জটেশ্বরের যে শ্মশানঘাট সেখানে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ এবং জলের ব্যবস্থা নেই। এতে সাধারণ মানুষ সৎকার করতে এসে বা দাহ করতে এসে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই আমাদের যে সংগঠন গণজাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে একটি আবেদন বা দাবি যে এই যে বিদ্যুৎ, পর্যাপ্ত বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই এবং পর্যাপ্ত যে জলের ব্যবস্থা নেই, সেইটা আপনারা দ্রুত অতিসত্বর চালু করুন। उत्तर दिनाजपुर जिले के बैराकाली वात्सरिक महापूजा में इस बार स्वीकार नहीं किया जाएगा भोग, भक्तों के प्रवेश पर होगी रोक। उत्तर दिनाजपुर तथा उत्तर बंगाल का प्राचीन ऐतिहासिक बैराकाली वात्सरिक महापूजा को लेकर रविवार शाम को पूजा कमेटी की ओर से प्रकाश समावेश का आयोजन किया गया। कोविड-19 संकट काल में कैसे पूजा का आयोजन किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसलिए इस साल 14 नवंबर को होने वाले पूजा में किसी भी प्रकार की भोग की सामग्री नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, साड़ी, अलता, सिंदूर आदि भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। पाठा और कबूतर की बलि भी इस बार नहीं होगी। कमेटी के संयुक्त सचिव विद्युत विकास भद्र और सोमेश लहरी ने बताया कि इस बार पूजा कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, इसलिए प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाएगा। আজকে আমাদের সামনের দীপান্বিতাদিন মায়ের মহাপূজার সাধারণ সভা ছিল কালিয়াগঞ্জবাসীকে নিয়ে। সেই সভা কিছুক্ষণ আগেই আমাদের মন্দির প্রাঙ্গণে শেষ হলো এবং সবার সিদ্ধান্ত হলো এবার বিশ্বের আমাদের অতিমারী মহামারী করোনা এবং কোভিড-19 যাকে আমরা বলছি, কোভিড-19 কথা মাথায় রেখে সরকারি সমস্ত বিধিনিষেধকে মাথায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে মায়ের পুজো হবে। তার জন্যে অন্যান্যবার যা যা হয়ে থাকে ভক্তগণ মায়ের পুজোতে যা যা তাদের মাকে নিবেদন করে, যেমন বলিদান প্রথা বন্ধ থাকছে, ভোগ রাগ দেওয়া বন্ধ থাকছে, কাপড় আলতা সিন্দুর অঞ্জলি এবং স্বর্ণালঙ্কার সব কিছু গ্রহণ বন্ধ থাকছে, শুধু মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে ফুল স্যানিটাইজার গেট করা হবে এবং প্রত্যেকটা ভক্তকে মুখে মাস্ক পরে আমরা স্যানিটাইজিংয়ের মাধ্যমে বাঁশের ব্যারিকেড করা থাকবে, তার মধ্য দিয়ে তারা খালি প্রবেশ করতে পারবে, মাকে খালি হাত জোর করে নমস্কার করে মায়ের আশীর্বাদটা চাইতে পারবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে অপরজনকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। এইভাবেই আমাদের আজকের সবাই সিদ্ধান্ত হলো যে মায়ের মন্দিরে কোনো ভক্তের প্রবেশ যেমন হবে না, তেমন কোনোরকমভাবেই কোনোরকম পূজা সামগ্রী এবং মায়ের মন্দিরে ভক্তদের হাত থেকে যাবে না, ডিউ টু কোভিড-19 বা করোনা এই সংক্রমণ থেকে সবাইকে রক্ষা করবার জন্য। देश में कोरोना संक्रमण मुक्त हुए मरीजों की संख्या 75 लाख के पार पहुंची।
एक दिन में सामने आए 45,230 नए मामले। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार देश में फिर से गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वायरस का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। रविवार को कोरोना वायरस के 46,963 मामले रिपोर्ट किए गए, वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,230 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 75,00,000 के पार पहुंच चुकी है, वहीं सक्रिय मामले लगातार 6,00,000 से नीचे बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 45,230 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस दौरान वायरस के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 496 रही। देश में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या 82,29,313 है। आंकड़ों के अनुसार देश में 75,44,798 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, वहीं पिछले 24 घंटे में 53,285 मरीजों ने वायरस को मात दी और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। देश में सक्रिय मामले और संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या करीब 70,00,000 का अंतर है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामले की कुल संख्या 5,61,908 है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 8,550 की कमी हुई है। वहीं वायरस के कारण अब तक 1,22,607 लोगों की मौतें हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से अब तक 4.68 करोड़ लोग संक्रमित। WHO प्रमुख ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन किया, पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO प्रमुख टेड्रोस गैब्रियस ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है, वे एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे। गैब्रियस ने बताया कि मैं अच्छा हूं, मुझे कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन मैंने खुद को कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन कर लिया है। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस के 4,68,09,252 मामले सामने आ चुके हैं। 12,05,194 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,37,53,770 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से उभर चुके हैं। पटरी पर लौट रही है देश की अर्थव्यवस्था। GST कलेक्शन अक्टूबर महीने में 1.05 लाख करोड़, कोरोना के दौर में पहली बार 1,00,000 करोड़ पहुंचा। कोविड-19 के कारण संकट में आई भारतीय अर्थव्यवस्था में अब सुधार होने लगा है। इसका ताजा संकेत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST कलेक्शन से मिला है। वित्तीय मंत्रालय के डेटा के मुताबिक अक्टूबर में GST कलेक्शन 1.05 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। फरवरी के बाद पहली बार GST कलेक्शन का आंकड़ा 1,00,000 करोड़ के पार पहुंचा है। वित्तीय मंत्रालय के मुताबिक 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 80,00,000 GSTR 3B रिटर्न फाइल किए गए हैं। इसकी बदौलत अक्टूबर 2020 ग्रॉस GST रेवेन्यू 1,05,155 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसमें से 19,193 करोड़ रुपए का CGST, 5,411 करोड़ रुपए का SGST और 52,540 करोड़ रुपए का IGST शामिल है। इसके अलावा 8,011 करोड़ रुपए सेस के जरिए मिला है। IGST में आयात किए गए सामान से वसूले गए 23,375 करोड़ रुपए भी शामिल है। रायगंज में गाड़ी चालक की अस्वाभाविक मौत के बाद से मची सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर के उदयपुर भाटा कॉलोनी इलाके में एक गाड़ी चालक का आज सुबह उसके घर से शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही रायगंज कर्णझोड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेने के बाद रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम विनोद विश्वास है और वहां पेशे से गाड़ी चालक था। मृतक की मां ने बताया कि रविवार रात को अपने बेटे को खाना देने के लिए जब वह गई थी तो उस समय उसके बेटे के साथ दो लोग और भी थे। खाना देने के बाद वहां चली आई, लेकिन आज सुबह दरवाजा खोलने पर देखा गया कि उसका बेटा मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। संभवतः सांस रोक कर उसकी हत्या की गई है, इसलिए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। यह खबर फैलते ही स्थानीय नेता अजय सरकार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना को काफी दुखद बताया और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ठिकाना है उदयपुर। এরকম ব্যাপার বাড়িতে কেউ ছিল না। কালকে দুজন দুষ্কৃতি এসে আমার দাদা ও ঘরে থাকে, তো ওদের সাথে জানি না কি ছিল মোকাবেলা। তো দ্বিতীয়ত হচ্ছে
মার সাথে এরকম ব্যাপার, মা কালকে খাবার দিতে এসেছিল, এসে দেখে দুজন ব্যক্তি বসে আছে ঘরের মধ্যে আর ও বসে আছে। মা বললো ওকে যে বাবু তুই খেয়ে নে ভালো করে মন্দ, মা মাকে বলছে ও আমি একটু পরে খাচ্ছি ভালো করে মন্দ। তারপরে দেখি আমি রাত্রি 2:30 সময় আমার ঘর থেকে আমি উঠছি বাথরুম করতে, নিশ্চয় বাথরুম করতে উঠে দেখি যে এরকম ব্যাপার, গেটটা হালকা ভিড়ানো, দ্বিতীয়ত হচ্ছে দেখি লাইট ফ্যান জ্বালানো, ও দেখি ওর মতন বসে আছে, দ্বিতীয়ত ওর ঘরে আমি ঢুকি না, আমি হচ্ছি ও মানে খেতে আসছে ভালো করে মন্দ। বেশ আমি আমার মতন আমি শুয়ে বললাম, দ্বিতীয় আজকে সকালে আমি দেখি এরকম ব্যাপার যে কী ব্যাপার, আমার তো দাদা উঠে যাওয়ার কথা, এখনও 7:00 বাজতেছিল ঘুমতে করছে না, দিয়ে না আমি আবার আমার বউকে বললাম যে এরকম ব্যাপার দেখো তো, আমি ও বাড়িতে গেলাম, মাও নেই, মা আমার সবাই কাজের লোক, যে যেরকম পারি সকালবেলা কাজে চলে যায়, তো তারপরে বউকে পাঠালাম, বউ দেখে বলছে এরকম ব্যাপার তোমার দাদা নেই, তো আমাদের তো একটাই টার্গেট। এটা তো দেখে বুঝতে পারছি না এখনো, সেটা তো এমনি ভালো কারণ আমি 2 দিন আগে ওর সঙ্গে আমার দেখা হলো, কারণ কী করে যেটা হয়ে গেল মানে এখন পোস্টমর্টম করতে নিয়ে যাচ্ছে, আসার পরে বোঝা যাবে, কিন্তু এটা মর্মান্তিক ঘটনা, খুব বেদনাদায়ক ঘটনা। ছেলে মারা গেলো, এসে শুনলাম যে কালকে ওর রাত্রি 8:00 পর্যন্ত ঘরেই ছিল, ওর মা খাবার দিয়ে গেছে আজকে, সেদিকে খাবারটাও খায়নি, এভাবে পড়ে আছে। আজ কে লিয়ে বস ইতনা হি, অর বিস্তারিত খবরগুলো দেখতে রহিয়ে এসকে লাইভ, আপকা সময় আপকি খবর, ধন্যবাদ।